सर्दी के साथ ही कोहरे के आगोश में ही अक्सर इन दिनों सुबह की शुरुआत होती है और हालात ये होते हैं कि चंद कदमों की दूरी पर खड़ा शख्स भी विजिबिलिटी कम होने से नजर नहीं आता और वाहनों की हेडलाइट भी काम नहीं करती। ऐसे में अक्सर हादसों की संभावना बन जाती है। जिले सहित प्रदेश में कोहरे के चलते सड़क हादसों के कई मामले सामने भी आ चुके हैं, जहाँ लोग काल का ग्रास बने। कोहरे का असर ट्रेन के फेरों पर भी पड़ा। पुलिस प्रशासन की ओर से सड़क हादसों को रोकने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, बावजूद इसके वाहन चालकों की असावधानी हादसों का कारण बन जाती है। मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो आने वाले दिनों में कोहरे का असर और अधिक रहेगा। ऐसे में वाहन चालक कुछ सावधानियां रखकर स्वयं को और औरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। चुरू DSP राजेंद्र बुरुडक ने कहा, जहां तक हो सके छोटे वाहन के चालकों को कोहरे में यात्रा टालनी चाहिए और अगर जरूरी यात्रा पर निकलना है तो या तो रेल का सफर करें या फिर कोहरे में कुछ जरूरी सावधानियां हैं उनको ध्यान में रखकर अपना सुरक्षित सफर करें। चुरू की तो ज्योग्राफिक स्थिति है, उसमें यहाँ सर्दी के साथ साथ धुंध भी आती है। धुंध के मौसम में सड़क पर दृश्यता काफी कम हो जाती है, जिससे वाहनों की दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। मेरा यह अनुरोध रहेगा कि छोटे वाहन जो है वो धुंध के समय यात्रा को टालें, बड़े वाहन से यात्रा करें। इसके अलावा यदि यात्रा करनी भी पड़े तो डीपर और फॉग लाइट का जरूर यूज करें, स्पीड कम रखें, ओवरटेक बिल्कुल ना करें, और जो ट्रैक्टर जो ट्रॉली है या जो ऊंट गाड़ी जो रखते हैं वो भी इस समय रिफ्लेक्टर का यूज करें, जिससे दुर्घटना की संभावना कम हो सके।